कल्याण से लौटते शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का बाईपास पर मुंब्रा के शिवसैनिकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे 13 जनवरी शनिवार को कल्याण में थे। कल्याण लोकसभा का वो जायजा लेने पहुंचे थे, जहां से शिवसेना शिंदे गुट के और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सांसद है। यहां से लौटने के दौरान उनका गुजरना हुआ मुंब्रा से, मुंब्रा शहर से वो जाने वाले थे, लेकिन देरी होने की वजह से वो बाईपास से गुजरे। तो बाईपास पर मुंब्रा उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने उनका गर्मजोशी के स्वागत किया। और फिर विजय कदम और अनिश कुरैशी ने क्या कहा, सुनिए। कदम सर, आज यहाँ मुंब्रा के बाईपास से उद्धव साहब का जाना हुआ, आप लोगों ने भी सम्मानित किया, क्या मतलब, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद हुआ है। जो मुंब्रा से आने वाले थे, लेकिन उनको जल्दी जाने का था, इसके वजह से बाईपास रोड से वो कलवा जाएंगे, खारेगांव कलवा। और यहाँ जो हम लोग और हमारे सब भाई भाई और बहन लोगों ने उनको सम्मानित किया, उसका भी एक आनंद उनका चेहरे के ऊपर दिखा और बहुत अच्छा हुआ। अभी उद्धव साहब जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो आप लोगों में से किसी ने कुछ सवाल किया, तो उनका उनका जवाब क्या था उसमें? उनको सवाल बोलेगा इधर की जो तकलीफ है, तो उन्होंने बोल दिया माथों से भी आना, हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आप लोग को भी रुकने का इरादा नहीं था, फिर भी इसने वीआईपी मोमेंट पे उन्होंने 2 मिनट रुके, आपसे बातचीत किस तरह, क्या कहे? बच्चों से प्यार का एक जरिया दिखता है कि नहीं रुकने का इरादा वाला तो लिस्ट पे नाम नहीं था, क्योंकि हमारा साथ से बात हुआ था, तो कुछ वजह की वजह से हमने कहा मुंब्रा शहर में ये टाइम पे बहुत ट्रैफिक रहता है, और ये टाइम पे जो है तो मुंब्रा शहर में ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आगे उनको भेज देना है, कलवा देना है, खारेगांव देना, उसके बाद में एक बम्बई में अर्जेंट मीटिंग कुछ लगी है उनकी, वह हिसाब से मुंब्रा हम लोग ने कैंसिल कराए। उसके बावजूद भी हमको ऐसा लगा कि नहीं, साहब को हम थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाएंगे तो साहब खुश हो गए, तो साहब यहाँ पे नहीं रुकने का ये था, फिर भी यहाँ पे रुके और हम लोगों से बात की, और जिसका जो तकलीफ था उन्होंने भी बात की, आराम से बात हुई साहब से, सामने वाले जिसका जो तकलीफ है मातोश्री पे आप आ सकते हैं, दरवाजा खुला है, वहाँ पे आपसे बात होगी, जो भी तकलीफ है उस देखा जाएगा, सुना गया उनको तकलीफ से दूर किया जाएगा। शिवसेना को क्या मैसेज, शिवसेना तो आज भी गंभीर बने से उभी है, खड़ी है, शिवसेना कोई टूटी नहीं है। जो जाने वाले थे वो अलग किस्म के लोग थे, वो सिर्फ अपना जो बचाव करने के लिए गए, शिवसेना कोई गई नहीं साथ में। शिवसेना आज भी आप लोग के सामने है, ये देखो बाईपास पे रहने के बाद भी इतने लोग जुड़े, इतने लोग साहब के सत्कार के लिए खड़े, ये भी बहुत बड़ी बात है, जबकि किसी को कोई फोन नहीं किया गया, आप लोगों को भी फोन किसी का गया नहीं, आप लोग भी आए समझो इसी तरीके से, सब पब्लिक आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शिवसेना और जो पहले थी उससे 110% शिवसेना बढ़ चुकी है आज, आज शिवसेना बहुत खंभीर बने से, आज देखो आने वाले इलेक्शन में आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शिवसेना कितने आगे गए और शिवसेना का क्या हिसाब है।